नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आयोलाल झूलेलाल से गूंज उठा गांधी सागर परिसर, सिंधी समाज में देखने मिली झूलेलाल जयंती की धूम। मैकेनिकल इंजीनियर के साथ हुई ठगी, अजनी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। और जयसवाल देसी दारू दुकान में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, शहर के कमाल चौक परिसर की घटना। और अब खबरें विस्तार से। झूलेलाल जयंती महोत्सव गांधी सागर स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसका आगाज शुक्रवार 1 अप्रैल से ही देखने को मिला। झूलेलाल जयंती के अवसर पर मंदिर को भी बड़ी आकर्षक रोशनी से सजाया हुआ था। इस दरमियान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। झूलेलाल जी को जल के देवता वरुण का अवतार माना जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन की तिथि को सिंधी चेटीचंड मनाते हैं। सिंधी समुदाय के लोगों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक झूलेलाल जयंती है। झूलेलाल जयंती पर सिंधी समुदाय के लोग झूलेलाल मंदिरों में जाते हैं और श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा करते हैं। कोरोना के खौफ भरे वातावरण के बाद इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सिंधी समाज की ओर से झूलेलाल जयंती मनाई गई, जिसका आगाज शुक्रवार 1 अप्रैल से ही देखने मिला। झूलेलाल जयंती महोत्सव गांधी सागर स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दरमियान सिंधी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस महोत्सव में हिस्सा लिया। इस संदर्भ में वहां मौजूद लोगों ने अधिक जानकारी साझा की। देखा कि आज सबको जैसा विदित है कि आज से हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी भगवान का जन्मोत्सव 3 साल के बाद बड़ी धूमधाम से इस गांधी सागर के किनारे मंदिर पर स्थापित हमारे झूलेलाल मंदिर पर शुरू हो चुका है, जिसका के बड़े जोर शोर से हमारे पूरे समाज के सिंधी भाई बहन बच्चे यहाँ आकर के अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि 3 साल के बाद सरकार में नियम में पूरी ढील देने के बाद बड़े जोर शोर से बड़े लोगों में उत्साह है, जिसकी वजह से हमारा कार्यक्रम यहाँ पर चालू हो चुका है। और ये हमारा कार्यक्रम श्री मोहन ठाकुर दास जी ने दीप प्रज्वलित कर और साइकिल ब्रांड द्वारा हमें दी गई 72 घंटे की शुभ अगरबत्ती के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। मैं इस मौके पर अपने सभी सिंधी भाई बहन सभी समाज के बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनके जीवन में यह हमेशा की तरह सुखमय आशीर्वाद बना रहे। जय झूलेलाल। सभी चौ जय झूलेलाल। बोलो वरुण देव भगवान की जय। देशवासियों को और सिंधी समाज सर्व संतों महापुरुषों को बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के बाद आज हमारे झूलेलाल जी की बड़ी कृपा हुई है, जो उनका 1072वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से झूलेलाल मंदिर गांधी सागर नागपुर में मना रहे हैं। आज पहला दिन है, आज के दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम आदि हो रहे हैं, नाटक आदि सिंधी में, और पूरा समाज मिलके झूलेलाल मंदिर पे आया हुआ है। वो दर्शन भी कर रहे हैं और प्रोग्राम भी देख रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं देशवासियों को, सब सिंधी समाज को, सबको लाल सिंह के जन्मदिन की, झूलेलाल जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ दूंगा। और झूलेलाल जी के आगे 9:30 बजे आरती करेंगे, पल्लव डालेंगे, विनती करेंगे, हे मेरे झूलेलाल, हे मेरे वरुण देवता, देश धर्म की रक्षा करना, हरियाली चारों तरफ छाई रहे। आज गुड़ी पाड़वा भी है, कल गुड़ी पाड़वा भी है, कल भी सवेरे हम झूलेलाल जी का अभिषेक करेंगे 5:30 बजे। उसके बाद झंडा वंदन होगा और प्रोग्राम आदि होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, मेहंदी स्पर्धा होगी और व्यंजन प्रोग्राम होंगे और मंच के प्रोग्राम है। जय झूला म्यूजिकल पार्टी आपको आनंद दिलाएगी, नरेंद्र म्यूजिकल पार्टी वो भी आपको भजन सुनाएगी और संगत आएगी रहेगी। कल 12 से 4 भव्य लंगर भी रखा गया है, जिसमें सारा सिंधी समाज कम से कम 30-40 हज़ार आके लंगर प्रसाद भी खाएंगे। और रात में फिर बिराना साहब की पूजा और आरती वंदना होगी, पलव डालेंगे और प्रार्थना करेंगे कि सारा साल सबके लिए सुखमय रहे, देशवासी खुश रहें और वरुण देवता की आरती वंदना करें। और कल के दिन घर घर में जोत जरूर जगाना, मंदिरों में दुकानों पे जोत जगाने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, क्यों जो हमारे झूलेलाल जी हैं वह जल ज्योति के प्रतीक हैं।
जल और ज्योत की सेवा करने से मनोइच्छा पूरी होती है। मैं एक बार सबको देशवासियों को सिंधी समाज को झूलेलाल जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई दे रहा हूँ। सदैव खुश रहें, बड़ो फलो फूलो और झूलेलाल जी का स्मरण करते हुए अपना जीवन सफल बनाओ। बोलो अमर डेरे लाल की जय, बोलो वरुणदेव भगवान की जय। बता दें कि भगवान झूलेलाल के कई और नाम भी हैं, जैसे कि लाल साई, उडेरो लाल, वरुण देव, दरिया लाल, अमर लाल, घोड़ो वारो और जिंद पीर आदि। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, पीकेबी न्यूज के लिए। अमेजोन कंपनी प्रोडक्ट सेलिंग का काम दिलाने का आमिष देकर एक मैकेनिकल इंजीनियर को फंसाने का मामला सामने आया है। इस मामले में फरियादी के साथ 360,100 रुपए की ठगी होने की जानकारी अजनी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक ने दी है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने अजनी में एक कुणाल गोविंदराव केलडांधे, इन्होंने तकरार दिया था कि उनके अमेजोन प्रोडक्ट सेलिंग का जॉब करके उनको हर रोज 2,000 से 5,000 तक कमाई हो सकती है। उसके लिए उनको कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे और टास्क कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ वहाँ पे पैसे भरने पड़ेंगे, तो और पैसे भरने के बाद उनको जो बोनस मिलेगा वो उनके अकाउंट में जमा हो गया, ऐसा उनको बताया गया। इस हिसाब से उन्होंने टास्क कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से पैसे शुरुआत 200 रुपये से किए। 200 रुपये से करने के बाद उनको 100 रुपये का बोनस मिला, जो कि वर्चुअल अकाउंट में उसका दिखा उसको कि मेरे पैसे जमा हो रहे। इसने और उसमें टास्क कंप्लीट करते गया और कुछ पैसे जमा होने के बाद पैसे निकालने की कोशिश किया तो उन्होंने और बोला कि और टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे पैसे भर के, तभी आप पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा करते करते दिनांक 17-3-2022 से 23-3-2022 तक वो फिरियादी ने कुल 360,100 रुपये वहाँ पे भरा, लेकिन बाद में फिर वो लिंक बंद हो गई। तो उसको बाद में पता चला कि अपने साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसकी अपने पास तकरार किया है उसने, उसके ऊपर से अपने गुनाह दाखिल किया। फिरियादी कुणाल गोविंदराव तेलरांधे, ये एक स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर किया है उसने, और उसके पिताजी का खुद का दुकान है किराने का। हम सब जनता से आह्वान करते हैं कि इस तरह से कोई भी ऑनलाइन आपसे ट्रांजेक्शन करने के लिए, जॉब देने के लिए इजी मनी के लालच दे रहा है, तो उसके बहकावे में न आते हुए इस तरह की कोई भी लिंक ओपन ना करें। किसी नंबर को अनवांटेड यानी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है तो उसको रिसीव ना करें, और करे भी तो उसको कोई जवाब ना दे और उसके ऊपर अगले व्यवहार ना करें। और साइबर के गुनहे अभी बहुत बढ़ रहे हैं, तो खुद डिजिटल पेमेंट के लिए सबने सतर्क रहना बहुत जरूरी है, और इस तरह का कुछ भी आपको पता चलता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम विभाग को सूचित करना चाहिए। और जहां अगर आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो रहे या फिर कम पैसे निकाले जा रहे हैं तो तुरंत बैंक को सूचित करके अपना अकाउंट भी फ्रीज करवा लीजिए। ये यहाँ पे जो मोबाइल नंबर उसने हमको बताया है, ये +63 बोले तो कहीं विदेशी विदेश से का है नंबर, ऐसा पता चल रहा है इसमें। शहर में गुड़ी पाड़वा के ही दिन आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम शहर के कमाल चौक स्थित जयसवाल देसी दारू दुकान पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। देखते ही देखते ये आग पूरी दुकान में फैल गई। इस दरमियान आनंद फानंद में घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया और कुछ ही देर में दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस दरमियान देसी शराब की कई बोतलें जलकर राख हो गई है और लाखों का नुकसान होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि गरिमत ये रही कि इस दरमियान कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जाँच जारी है। पुलिस कर्मियों के हिसाब से उनकी पोस्टिंग हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उत्साह और जोश के साथ काम कर सके, यही हमारी इच्छा है, ऐसा पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने कहा। इस दरमियान आगे बात करते हुए वो बोले कि पुलिस कर्मियों की समस्याओं को हम आमने सामने बैठकर सुलझाने का प्रयास करते हैं। पोस्टिंग को लेकर बात करते हुए बोले कि हम हर किसी की तो पोस्टिंग उनके हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती उनके इच्छा के हिसाब से की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला कर्मियों को थाने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां होती है, जिसके चलते उनके साथ हम थोड़ी सहानुभूति के साथ पेश आते हैं। हो ते कर्मचाऱ्यांचे बदली ज्यांचे टेन्युर पूर्ण झालेली आहे किंवा त्यांची विनंती असते ते एका कमऱ्यात बसून डिसाइड करण्यापेक्षा त्यांचे समोर त्यांची विनंती बघून करण्याची ही धारणा आमची असते, आणि म्हणूनच आम्ही 2-3 वर्षापासून इथे तशीच प्रक्रिया राबवत आहे, आणि कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीप्रमाणे जास्तीत जास्त त्यांची पोस्टिंग व्हावी ही आमचे हे प्रयत्न असतात।
100% जरी विनंती मान्य करता है येत नाही तरी पण 98-99% लोकांची विनंती प्रमाणे जर पोस्टिंग झाली तर चांगले उत्साहानी आणि मेहनतीने आउटपुट जास्ती चांगले मिळतील अशी धारणा असते आणि नक्कीच त्याचे एक चांगला परिणाम होतो. एकंदरीत ज्या पद्धतीने अधिकाऱ्यांपर्यंत कर्मचाऱ्यांना आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी मिळते आहे एक कम्युनिकेशन पण होतं त्याचं नक्कीच. म्हणजे आज जसे 850 लोकांची आमची हे आगांकित कक्ष झाली आणि त्यांचे विनंतीप्रमाणे आम्ही हे केले. त्यांचे जे काही अडीअडचणी असते विनंती असते ते वरिष्ठ अधिकारी समोर त्यांना मांडता येते आणि याचे व्यतिरिक्त पण आम्ही नेहमी त्यांना भेटत असतो. त्यांच्याशी कॉम्युनिकेशन ठेवणे अत्यंत गरजेचे असते. पण नक्की महिला अधिकारी कर्मचारी यांचे जे काही प्रोफेशनल जबाबदारी आहेत याचे व्यतिरिक्त त्यांची कौटुंबिक पण जबाबदारी असते ते लक्षात ठेवून त्यांच्यावर थोडा सहानुभूती ठेवणे तर गरजेचेच आहे आणि म्हणून त्यांची पण विनंती जास्तीत जास्त मान्य करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मग तुझ्याला एक ब्रेक का मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर के जरीपटका इलाके में सिंधी समाज द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया था. इस विशाल रैली का आयोजन श्री झूलेलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था. इस अवसर पर 5000 से अधिक युवाओं ने और सिंधी समाज के लोगों ने रैली में सहभाग लिया. जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है. आज इसलिए झूलेलाल जी का जन्मदिन है और यह जो आप रैली देख रहे हैं यह भारतीय सुनसभा और सभी संस्था और पंचायतों के तरफ से यह निकली है. विशेष रूप से इनने जो सहयोग दिया है वह सिंधु युवा फोर्स उनके सहयोग से और बाकी भी संस्थाएँ जो भी हमारी है उनके साथ में रैली जो देख रहे हैं एक विशाल रैली है. मैं विशाल रैली में आए हुए सभी भाई और बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहे यही मेरी इष्ट देव झूलेलाल जी से प्रार्थना है. सबसे पहले आज हमारे भगवान झूलेलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज गुड़ी पाड़वा का भी पर्व है, सभी हिंदू बांधवों को उसकी भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमने विशेष रूप से नागपुर शहर के पूरे सिंधी समाज के सभी लोगों को निवेदन किया था, भगवान इष्ट देव झूलेलाल जी के जन्म उत्सव के अंदर में एक सिंधु एकता विशाल स्कूटर रैली का हमने आयोजन किया, और मुझे देखते हुए बड़ी खुशी है कि हमने जो आंकड़ा 5000 के पार यह तय किया था, या 5000 से ज़्यादा लोगों के उपस्थिति में सिंधु एकता विकास विशाल रैली, इसका आयोजन जो हमने किया था उसका सक्सेस होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं सभी बांधवों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे 3 दिन का जो झूलेलाल महोत्सव हम मनाते हैं दयानंद पार्क के अंदर में, आज से उसकी श्रृंखला, उसकी शुरुआत होने जा रही है। सभी को झूलेलाल महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ जो विशेष रूप से संस्थाएं, पंचायतें, हमारी दरबारें, इन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया है। जरीपटका दुकानदार संघ को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं, और पूरे सेंट्रल इंडिया के सभी समाज को निवेदन करना चाहता हूँ, दयानंद पार्क पे जो चेटीचंड महोत्सव हम लोग मनाते हैं उसके अंदर में आप आइए। 3 दिवस का यह महामेला यह आप सभी के लिए मनाया जा रहा है। देश विदेश से कलाकार यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और 3 दिन बहुत रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। विशेष रूप से इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर में जो झांकी हम लगाते हैं, चलचित्र हम लगाते हैं, वह देखकर आपको हमारी सिंध की, किस तरीके से हमारी खूबसूरत सिंध थी, इसकी अनुभूति होगी। जय झूलेलाल। चैत्र महीने में नवरात्रि का पहला दिन हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस श्रृंखला में सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज संस्था की ओर से चैत्र मास में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर चित्तर रेखा गांधी प्रतिमा, राष्ट्रीय स्मारक अशोक स्तंभ, महाआठवा 108 फुट ऊंचा भगवा झंडा फहराकर गुड़ी उभारी गई। मराठी नए साल यानी गुड़ी पड़वा के अवसर पर बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के लक्ष्मीनगर चौक पर गुड़ी की पूजा की है। आज 2 साल बाद राज्य सरकार ने कोरोना प्रतिबंध हटा दिए हैं। महाराष्ट्र विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लोगों को गुड़ी पड़वा और मुंबई मेट्रो में होने जा रहे उद्घाटन की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्य सरकार पर व्यंग कसते हुए कहा कि मेट्रो 3 अब तक शुरू हो गई होती, लेकिन अब उसके काम को और 4 साल लगेंगे। वहीं उन्होंने रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा भी कहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाडव्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना भगवत तेज हे अनुभवता आला आहे, आणि अतिशय उत्साहाने लोक नववर्ष साजरा करतायत। श्री राम जन्मोत्सवाची सुरुवात देखील आज होते, आणि मला विश्वास आहे हे जे नवीन वर्ष आहे हे सगळ्यांना सुखाचं, समाधानाचं आणि विशेषतः आरोग्याचं जाईल, अशा प्रकारची ईश्वरचरणी आम्ही प्रार्थना देखील केली आहे। आपल्या देशाला देखील हे नवीन वर्ष प्रगतीच्या नवीन शिखरावर पोचवेल ही देखील अपेक्षा आहे। आणि यावेळेचं वेगळेपण असं आहे की एकीकडे प्रभू श्रीरामांची मिरवणूक आम्ही काढत असताना अयोध्येमध्ये प्रत्यक्ष रामललाचं मंदिर, त्याचंही निर्माण आता अतिशय वेगाने होतं आहे। त्यामुळे येत्या काळातला एखादा नववर्षाचा दिवस माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत, त्यांनी जरूर उद्घाटन करावं। पण जनतेला हे माहिती आहे की या दोन्ही मेट्रो याचं काम देखील सुरू मी केलं होतं, अतिशय वेगाने ते काम पुढे गेलं होतं।
काही कारणाने या सरकारमध्ये ते रखडलं, पण आज ते सुरू होत आहे. आम्हाला बोलवलं नाही तरी चालेल, पण सगळ्या मेट्रो सुरू करा. आम्हाला बोलवलं नाही तरी चालेल, पण मेट्रो 3 प्रश्न त्या ठिकाणी निकाली काढा. कारण मेट्रो 3 जी आत्तापर्यंत सुरू होऊ शकली असती ती अजून 4 सुरू होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने श्रेय जरूर घ्यावं, पण अपश्रेयाचं भागीदार होऊ नये. सरकारने मेट्रो 3 रखडलेला प्रकल्प हा तात्काळ पूर्ण करावा. 9 कारशेड हे आरेमध्ये पूर्ण होऊ शक देशाकरता आहे. आजचा संकल्प आपल्या देशाची सेवा करण्याची जी संधी ज्या प्रकारे मिळेल त्या प्रकारे त्या संधीचा उपयोग करून अधिकाधिक देशसेवा समाजसेवा कशी करता येईल हा प्रयत्न आम्हाला सगळ्यांनाच करायचा आहे. आणि मला असं वाटतं की यापेक्षा मोठा संकल्प असू शकत नाही. नया साल सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों के लिए ही मंगलमय हो ऐसा कहते हुए मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी. वहीं आगे बात करते हुए वे बोले कि मास्क मुक्ति नहीं की है, निर्बंध मुक्ति की है. मास्क पहनना ये वैकल्पिक है, हालांकि फिर भी लोगों को मास्क पहनना चाहिए क्योंकि मास्क ना पहनना मुसीबत को आमंत्रण देना है. ऐसा भी इस दरमियान उन्होंने अपील की है. 2 फार मोठ्या संकटातून आपण सर्व बाहेर पडलो. राष्ट्रव्यापी जगव्यापी हे संपूर्ण संकट होतं आणि घर म्हणजे विश्व ती आपली सगळी झालेली होती. आणि घराला सुद्धा विश्वामध्ये राहत असताना कोठडीचं स्वरूप आलं होतं, कारण आपण एकमेकाशी संवाद साधना घाबरत सुद्धा होतो. अशा याच्यामध्ये 2 गेले. हे 3 वर्ष नववर्ष आमच्या गुढीपाडव्याचं हिंदू सणाचं, आणि हे नववर्ष ईश्वराला प्रार्थना आमची आहे की ईश्वरा आता पुन्हा कोरोनाचं संकट येऊ देऊ नकोस. कोरोनामुक्त हा देश महाराष्ट्र माझा आणि प्रत्येक माणूस प्रत्येक व्यक्ती हा कोरोनामुक्त असू दे. या राज्यावर कुठलंही संकट या वर्षात येऊ देऊ नकोस. 2 संकटांनी झपाटलेले गेलेत, अनेक संकटाचा महाराष्ट्राला सामना करावा लागला, पण हे वर्ष निर्विघ्नपणे आणि पार पडू देत आणि त्याबरोबर या राज्याची यशाची गुढी उंच उंच जाऊ दे अशी ईश्वराला प्रार्थना करत असताना, आरोग्याच्या दृष्टीनं हे वर्ष उत्तम असावं अशी सुद्धा प्रार्थना असणार आहे. खरं तर आव्हानं आणि संकटं मोठी आहेत, राज्यापुढची असतील किंवा प्रत्येक व्यक्तीपुढची असतील. हा संपूर्ण देश आता महागाईशी झुंजतो आहे, अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबाची वाताहत होते आहे. अशा स्थितीमध्ये हे वर्ष महागाई मुक्त वर्ष, संकट मुक्त वर्ष आणि उत्तम आरोग्य देणारं वर्ष ठरो अशी श्री प्रभू रामचंद्रच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि सर्वांना, माझ्या सर्व बांधवांना भगिनींना, आता आपण कोरोनातून मुक्त झालात, निर्बंध मुक्त झालात, पण मात्र कुटुंबाच्या बंधनातून मुक्त न होता कुटुंब वत्सल जीवन जगून आपण ह्या वर्षामध्ये बाहेर जगात कुठेही फिरत असताना, मात्र आपण बिंधास्तपणे फिरत असताना थोडी काळजी घ्या. मास्क आपण शक्यतो न बांधणं हे म्हणजे संकटाला आव्हान आहे, तरी पण आवश्यक असेल त्या ठिकाणी मास्क बांधा. बाकी मात्र मस्तपैकी एन्जॉय करा, मुक्त म्हणून जगा, कुठेही जाताना कुटुंबाला घेऊन जगा अशी या वर्षीच्या गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतोय, मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि नक्कीच आपल्या आनंदामध्ये राज्य, आपल्या सहकार्यातून हे राज्य उंच उंच विकासाच्या दिशेनं गगनभरारी घेईल असा मला विश्वास वाटतोय. धन्यवाद. मी निर्बंध मुक्त म्हणालो, कोरोना मुक्त म्हणालो नाही. कोरोना कधीही कधीही कुणाचंही दार फोटावे त्यासाठी मास्क वापरणं आणि आपली स्वतःची काळजी घेणं यातच आपलं हित आहे. जर आपलं हित स्वतःचं सांभाळायचं असेल, स्वतःची सुरक्षा करायची असेल, तर स्वतःची काळजी घ्या रे बाबांनो. एवढीच माझी सर्वांना विनंती. तो प्राइम टाइम में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.